हेलो गाइस, आज फिर आपको अलीना की मम्मी नज़र आ रही है और वेलकम बैक टू अलीना चैनल गेटिंग ग्लैमर। और मैं इसलिए आपको नज़र आ रही हूँ और मैं वीडियो बना रही हूँ आज सऊदी अरब से, क्योंकि मैं आई हुई हूँ हज करने के लिए माशाल्लाह। और हज में हम जहाँ पर रुके हुए हैं जिजिया में रुके हुए हैं, और यहाँ हम बिल्डिंग नंबर 118 में हैं। और ये देखिए सर्विस सेंटर है हमारा 36, और इसकी बिल्डिंग भी देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। होटल हमारा किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं है, ऊपर वाले का करम है। ये हमारा होटल है, ये देखिए माशाल्लाह। और यहाँ पर सामने हमारा स्टॉप भी, आपको पीली पीली बसेस दिखाई दे रही होंगी, स्टॉप भी यहाँ से दूर नहीं है और यहाँ पर पैदल डिस्टेंस है, यहाँ पर चले जाते हैं और दो बसेस बदलनी पड़ती हैं, आराम से चले जाते हैं। और हमारी हिंदुस्तान की सरकार ने भी बहुत इंतज़ाम हमारे लिए किए हैं, सऊदी अरब की सरकार ने भी बहुत इंतज़ाम किए हैं। और यहाँ पर होटल का जो मैनेजमेंट है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये देखिए हमारा जो है सर्विस सेंटर है 36, बिल्डिंग नंबर है 118 यहाँ पर है। यहाँ पर इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं हमारे माशाल्लाह, किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं। मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ रिसेप्शन एरिया में। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पर वीडियो भी चल रही है, देखिए मक्का मदीना की यहाँ पर माशाल्लाह तवाफ चल रहा है, सब लाइव दिखाया जाता है। और यहाँ का होटल भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पर फ्रीज में बोटल्स भी रखी रहती हैं, आज इत्तफाक से नहीं है। यहाँ का माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, ये हमारे मैनेजर हैं जो कि पूरा मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ पर लिफ्ट है, यहाँ पर एक लिफ्ट ये है, एक लिफ्ट ये है, माशाल्लाह हर चीज़ की यहाँ पर सहूलियत है, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर यहाँ पर लिफ्ट बाई दिवे वैसे तो बंद होती नहीं है, तो स्टेयर्स भी हैं, स्टेयर्स के ज़रिए हम यहाँ चले जाते हैं। और रिसेप्शन एरिया में भी बहुत फैसिलिटी हैं, सब कुछ है, अल्लाह का करम है, सब बहुत अच्छा है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ आपको ऊपर अपने रूम पर लेकर चलती हूँ, वहाँ बताऊँगी। अभी लिफ्ट में मैं जाती हूँ, ओके। अब मैं आ गई हूँ लिफ्ट में, ये देखिए माशाल्लाह लिफ्ट में भी इंतजामात हैं। यहाँ पर ये देखिए फ़ोन भी है, अगर कोई लिफ्ट बंद हो जाती है बाई दिवे, अगर कोई परेशानी हो जाती है तो हम फ़ोन करके बता भी सकते हैं। तो अल्लाह का करम है, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं है। हम हाजियों को बहुत ही फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही हैं, हर तरह का यहाँ पर फैसिलिटी है। ये देखिए मैं 3 नंबर दबाना भूल गई, आपसे बात करने के चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे बिल्डिंग नंबर 3 पर जाना है, क्योंकि जो हमारा रूम है वो बिल्डिंग नंबर 3 पर है और रूम नंबर हमारा है 301। अभी मैं वहां पर आपको लेकर चलती हूँ और वहां बताऊंगी। देखिए लिफ्ट हमारी चल रही है और माशाल्लाह देखिए बातों बातों में हमारा बिल्डिंग नंबर भी आ गया और मैं लिफ्ट से बाहर जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा इंतजाम है, यहाँ रेफ्रिजरेटर है, यहाँ पर आपका कोई भी मेडिसिन के लिए इन्होंने किया हुआ है, हर तरह की फैसिलिटी है माशाल्लाह यहाँ पर। और अभी क्योंकि हमें जाना है हरम शरीफ मगरिब की नमाज के लिए, सिर के हम यहीं पर पढ़ेंगे, यहाँ पर मस्जिद भी है। ये हमारा रूम नंबर है 301, और यहाँ पर इन्होंने फ्लैट टाइप किए हुए हैं यहाँ पर इनके, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने 3 रूम दिए हुए हैं। एक रूम यह है जो जिसमें 4-4 लोग रहते हैं, और एक रूम ये है, और ये 2 रूम के लिए एक इन्होंने बाथरूम दिया हुआ है। बाथरूम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, कोई भी किसी भी तरह की कमी नहीं है, बहुत सफाई है, हर तरह का है। और किचन भी देखिए कितना अच्छा किचन हमें दिया हुआ है इन लोगों ने, ये सब हमारा किचन है। ये देखिए चूल्हा भी यहाँ पर दिया हुआ है, 3 बर्नर का चूल्हा है, डस्टबिन रखा है, फ्रीज रखा है, माशाल्लाह कोई भी किसी भी तरह की कमी है ही नहीं, अल्लाह का करम है। खूब यहाँ पर लोग हमारा ये ध्यान रख रहे हैं, पानी के लिए भी इंतजामात हैं यहाँ पर जो है, पानी इसमें कोल्ड वाटर आता है, इसमें जो है नॉर्मल वाटर है, इसमें जो है हॉट वाटर है। और किचन के लिए देखे कवर्ड है, हम अपना सामान कुछ भी रख सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन भी लगा है, कोई भी किसी भी तरह की माशाल्लाह परेशानी नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि हाजियों को जीजिया में परेशानी हो रही है, ये है, लेकिन यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कभी कभी लोगों को आदत भी बन जाती है कुछ कमियां निकालने की। तो देखिए यहाँ पर फोन भी लगा हुआ है हमारे दरवाजे के आगे, ठीक। और ये हमारा बाथरूम है माशाल्लाह, अलग से भी दिया हुआ है ये बाथरूम यहाँ पर, ये
ये देखिए ये बाथरूम, बहुत सफाई हर तरह की, यहाँ पर हैंड वॉश के लिए भी दिया हुआ है, हर तरह की फैसिलिटी दी हुई है माशाल्लाह। मैट भी इन्होंने ही बिछाया हुआ है, जबकि अभी रूम भी दिखाऊंगी मैं शाम को जब नमाज पढ़ के आ जाऊंगी हरम शरीफ से। अभी मैं जा रही हूँ हरम शरीफ, अभी तो हम नीचे की, नीचे जो मस्जिद इन लोगों ने हमारे लिए बनाई हुई है जमात से हम लोग नमाज पढ़ते हैं, नीचे जाऊंगी अभी मैं नमाज पढ़ूंगी, उसके बाद हम हरम शरीफ निकल जाएंगे। ठीक है, अब मैं फिर लिफ्ट से जाती हूँ और तब वहाँ पर नमाज अदा करके असर की, उसके बाद हम निकलेंगे मगरिब की और इशा की नमाज पढ़कर आएंगे, तब फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारा होटल है, ये हमारा रूम है, बहुत ही प्यारा रूम है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया माशाल्लाह, कैसा आपका कमरा, बहुत अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे स्टॉप नंबर भी 2 है और बसेज नंबर भी 2 है, देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ भी है माशाल्लाह, ये हमारा आई कार्ड है और इसके पीछे इन्होंने हमारा एड्रेस भी दिया हुआ है। किसी भी तरह की भी कोई भी परेशानी माशाल्लाह नहीं हो रही है, फिर भी लोग पता नहीं क्यों वीडियो ऐसे डाल रहे हैं कि हमें परेशानी हो रही है, भाजियों का बहुत ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है माशाल्लाह, और होटल में किसी भी तरह की हमें भी कोई भी परेशानी नहीं है। मेरे साथ साथ मेरी 2 बहनें भी हैं माशाल्लाह जो हज करने आई हैं, ये है मेरी छोटी बहन परवीन, घास पर इधर तो आओ क्लियर नहीं नजर आ रही, और ये है हीना जो कि ब्लॉग में आप इनको बार बार देखती हूँ, ये हज में भी हमारे साथ है माशाल्लाह, और एक हमारे भाई है और इसके हस्बैंड है, फूफीजाद भाई है, तो हम 4 लोग आए हुए हैं और 4 लोगों का ही रूम है जो हमें मिला हुआ है, कोई भी परेशानी नहीं है और एसी रूम है बहुत अच्छा, सब तरह की फैसिलिटी माशाल्लाह दी हुई है हमें, आबे जमजम भी पानी मिलता है पीने के लिए, बोतल दी जाती है डेली, पर पर्सन 2 बोतल दी जाती है आबे जमजम की, और फैसिलिटी ने। अब हम जा रहे हैं खाने काबा, वहीं पर ही माशाल्लाह मगरिब की और इशा की नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। परवीन, ये पीली बसेस हैं जो कि बहुत सारी लगी हुई हैं, हमें तैयार मिलती हैं और हर सेकंड बाद ये हमें तैयार मिलती हैं, इधर भरती है और फौरन ही दूसरी आ जाती है, चालू हो जाती है माशाल्लाह, कोई भी परेशानी नहीं है अल्लाह का करम है। ये देखिए यहाँ पर ये भर गई है, फुल हो गई है, अब इसके पीछे लगी हुई है, इसमें पीछे हम लोग अब बैठेंगे। इस बस से हम आए हैं और यहाँ से जो है वो रेड वाली बस में हमें जाना है बैठ के, देखिए कितनी फैसिलिटी दी हुई है, बहुत फैसिलिटी है माशाल्लाह, कोई भी परेशानी नहीं है कहीं भी। बताते हैं कि मुझे तो ये डर था कि गवर्नमेंट से जा रहे हैं पता नहीं क्या परेशानी होगी, क्योंकि लोगों की धारणा होती है कि गवर्नमेंट से जाओ तो परेशानी होती है, वो परेशानी होती है, जबकि कोई भी परेशानी नहीं है माशाल्लाह। इतनी बसेस लगी हुई है देखिए, बहुत बसेस लगा रखी हैं इन लोगों ने यहाँ पर, और हम इसमें बैठ के 2 मिनट में पहुँच जाएंगे हरम शरीफ इंशाल्लाह। यहाँ पर अब हम नमाज पढ़ के जा रहे हैं अजीजिया, यहाँ पर ये देखिए कितनी सारी बसेस लगी हुई हैं, इंतजाम बहुत अच्छा है और वॉलंटियर्स भी काफी लगे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए सब वॉलंटियर्स हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, अब जल्दी सब लोग बस में चढ़ जाएंगे, सेकंड के अंदर ही सब चले जाएंगे। 124 बिल्डिंग किस तरफ होगा, 124।